तो खुद कह रही है कि क्या नाम है सेक्स वर्करों की भर्ती होनी चाहिए और सेक्स टॉय उपलब्ध कराओ, तो क्या ये कुछ हद तक सही है या गलत है? अगर कल को ये मांग आती है क्या भारतीय सेना में भी सेक्स वर्करों की भर्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। एक प्रकार से जो शारीरिक शोषण है वो रुक जाएगा अगर सेक्स वर्करों की भर्ती हो जाए तो। नमस्कार साथियों, साथियों अभी मैंने एक वीडियो देखा था एक महिला आर्मी ऑफिसर का, ऑस्ट्रेलिया की वो महिला आर्मी ऑफिसर है जिसने एक अजीबोगरीब डिमांड की है। उसने डिमांड की है कि आर्मी के अंदर सेक्स वर्करों की भर्ती की जाए, मेल सेक्स वर्कर भी हों और फीमेल सेक्स वर्कर भी हों। शायद सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच्चाई है। और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको, जहां से मैंने वीडियो देखा है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहां पर। वाक्य ये है कि ऑस्ट्रेलिया की एक आर्मी की एक कैप्टन है, महिला है, और उसने ये डिमांड की है कि वहां पर क्या नाम है आर्मी के अंदर सेक्स वर्कर की भर्ती की जाए, मेल सेक्स वर्कर भी और फीमेल सेक्स वर्कर भी। और दूसरा उसने सेक्स टॉय भी मांगे हैं वहां पर कि सेक्स टॉय भी उपलब्ध होने चाहिए। उनका यह कहना है कि क्या नाम है जो समय हम अपना जवानी का आर्मी में देते हैं, हम फौजी बाद में हैं, उससे पहले हम इंसान हैं और इंसान की जरूरत है कि वो शारीरिक संबंध बनाना उसकी इंसान की जरूरत है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, पूर्व सैनिक हैं हरिलाल शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं हरिलाल शर्मा जी आपने भी। सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगा, हरिलाल शर्मा नहीं हरिलाल सिंह हूं जी, हरिलाल जी। हाँ, इस पर देखिए अभी हमारे गवर्नमेंट ने आर्मी के तीनों सेनाओं में बच्चों ऊपर के लिए एग्री हुआ है कि इसमें महिलाएं आ भी रही हैं। हमारे आर्मी में अभी कोरों में तो सीमित है, कोरों जैसे मेडिकल कोर हो गया, इंजीनियर कोर हो गया, सप्लाई कोर हो गया, जो पीस में रहती हैं वो तो ठीक। मेरा जहाँ तक विचार है फील्ड में ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लेडी अफसर और जेंट्स अफसर अलग अलग रहते हैं, वहाँ पर फैमिली का कहीं मतलब रहता नहीं, फैमिली का रहना अलाउड नहीं है। मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ फील्ड में सर्विस में। तो अब ऑस्ट्रेलिया बताते हैं, लेकिन ये है कि कई केस ऐसे हुए हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, कि इंडिया में भी हुआ है और ये हो सकता है। इसलिए कम से कम और पीस ड्यूटी के लिए ही महिलाओं को सेना में आना चाहिए, फील्ड के आलो फील्ड सर्विस के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे उस वीडियो के अंदर वो आर्मी अफसर खुद कह रही है कि क्या नाम है सेक्स वर्करों की भर्ती होनी चाहिए और सेक्स टॉय उपलब्ध कराओ, तो क्या ये कुछ हद तक सही है या गलत है? उसका कहना सही है बिल्कुल, अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में तो अभी ऐसा कोई डिमांड नहीं है ना ऐसा कोई केस आया हुआ है। लेकिन मेरा जहाँ तक आपके माध्यम से लोगों को बताने का ये है कि पीस टाइम में जहाँ पर परिवार अलाउड है, जहाँ परिवार रहते हैं, वहाँ पर तो ऐसा कोई भी केस आना नहीं चाहिए, ना आया अभी तक। लेकिन फील्ड में एक दो केस हुए हैं, अब फील्ड के लिए टोटल अवॉइड करना चाहिए, फील्ड सर्विस के लिए महिलाओं का एंट्री बैन होना चाहिए। अच्छा, क्या अगर कल को ये मांग आती है क्या भारतीय सेना में भी सेक्स वर्करों की भर्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यहाँ इंडिया में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पश्चिमी कल्चर में कुछ अलग है और यहाँ पर यहाँ का कल्चर अलग है। हाँ, उनको प्रतिबंधित करना चाहिए कि कहाँ सर्विस कर सकती हैं कहाँ नहीं, फील्ड के लिए तो टोटल प्रतिबंधित करना चाहिए। लेकिन कई बार यहाँ पर भी इस तरह के वाक्य सामने आए हैं कि सहायक प्रथा के नाम पर शारीरिक शोषण, हाँ, सुनने में आया है हमने। सहायक प्रथा का तो बिल्कुल सही आपने सुना है, ये हुए हैं केस, कई केसेस हुए हैं, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है मीडिया के द्वारा और लोगों ने भी सुना है। जो तो आपको नहीं लगता कि ये सहायक प्रथा के अंदर जो शारीरिक शोषण है वो रुक जाएगा अगर सेक्स वर्करों की भर्ती हो जाए तो? लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, अपने इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीस में, पीस टाइम में और पीस के अंदर तो चाहे फीमेल अफसर हो चाहे मेल अफसर हो, चाहे जवान हो फीमेल हो चाहे मेल जवान हो, सबको अपना परिवार रखने के लिए इजाज़त मिलता है, क्वार्टर मिलता है, सफिशियंट व्यवस्था है, सरकार ने कर रखा है, इसलिए ये
जो भी मांग है इसको तो डिनाई करता हूँ मैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं फिर बता दूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी की महिला अफसर है उसने ये अजीबो गरीब जो है डिमांड की है कि सेक्स वर्करों की भर्ती हो और सेक्स टॉय उपलब्ध करवाया जाए। बाकी तमाम विषय के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, इस मांग को लेकर के जो उसने मांग की है उसको लेकर आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये सही मांग है या गलत है, आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हालांकि मेरे अगर विचार से पूछा जाए तो शायद ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह का अगर जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया जा रहा है तो शायद हो सकता है वहां के हिसाब से वो मांग ठीक हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो देश की नंबर वन आर्मी है और हमारे आर्मी के अंदर इस तरह की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा अपना विचार है, बाकी आपका क्या विचार है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।